ये बहुत ही अपेक्षित था। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर देशभर का जैसे विश्वास है ये वैसा ही दिया, विकास के राजनीति को वोट दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल 2 सरकारें देखे लोगों ने, 2.5 साल ब्लैक, 2.5 साल व्हाइट। 2.5 साल ब्लैक में कुछ सारे विकास काम नए हुए नहीं और सारे रोके गए, और अभी 2.5 साल में हर सेक्शन का वेलफेयर पॉलिटिक्स भी हुआ, वेलफेयर डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम्स भी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के भी कार्यक्रम हुए। लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने इसीलिए वोट दिए। आपको लगता है सर वोट जिहाद वाला जो इश्यू उठा था उसका भी वो रहा कि कटेंगे तो बटेंगे और ये सारी चीजें जो हुई उसको लेकर भी लोगों में एक है कि कहीं ना कहीं अलग नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र का वोटर संकीर्णता से विचार नहीं करता, विकास के लिए वोट देता है और दिया है, और लोकसभा और विधानसभा में हमेशा अलग रहा है। यानी बहुत बार हमें दोनों में अच्छे मिले वोट, लेकिन मुझे याद है 99 में एक ही दिन लिया हमने विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में हमें 40% मिले लेकिन विधानसभा में 30% मिले। तो बहुत विचार करके लोग वोट देते हैं। मेरा रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल पे ज्यादा भरोसा है और उन्होंने जिताया है, और जनता को धन्यवाद है। हमारी जो टीम है यानी मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत की, अच्छी योजना बनी और उससे कारण जीते। लाडली बहनाओं ने गेम चेंजर का काम किया, रिटर्न गिफ्ट दिया, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लेकिन वो एक जरूरी वेलफेयर मेजर था। मोदी जी एम्पावरमेंट की सोचते हैं, जेन्युइन वेलफेयर की सोचते हैं, वो वोट के लिए ये नोट नहीं देते हम। लेकिन सर जिस तरीके से संजय राउत या फिर एमबीए पार्टी वो एक बार ईवीएम पर नाम आ रहा है तो फिर फिर कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में क्या, वहां ईवीएम ठीक था, यहां गलत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप लोग सरकार बनाने ही जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल अभी सबके मन में है वो तो कौन होगा? ऐसा है, हर एक निर्णय का एक एक बॉडी है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तीनों पार्टी मिलकर जो तय करेंगे एक एक राय से ही होगा। एक अलग सवाल सर, केरला के आप प्रभारी हैं और केरला में जिस तरीके से वायनाड में देखा कि प्रियंका गांधी ने जबरदस्त लीड ली पहली नहीं, बार वो तो नहीं आते ही नहीं। हाँ। वायनाड में जिस तरह से वहां सामाजिक संरचना है और यूडीएफ के 19 MPs है वहां, तो वो वही सीट उनको मिली है, तो कोई ज्यादा नहीं है। हमने अच्छी लड़ाई दी, हम थकते नहीं। आज 20% की पार्टी है, हम इस विधानसभा चुनाव में 30% की पार्टी होकर बहुत ज्यादा MLAs भी हमारे चुन के आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जीतेंगे। ये बहुत ही अपेक्षित था। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर देशभर का जैसे विश्वास है ये वैसा ही दिया, विकास के राजनीति को वोट दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल 2 सरकारें देखे लोगों ने, 2.5 साल ब्लैक, 2.5 साल व्हाइट। 2.5 साल ब्लैक में कुछ सारे विकास काम नए हुए नहीं और सारे रोके गए, और अभी 2.5 साल में हर सेक्शन का वेलफेयर पॉलिटिक्स भी हुआ, वेलफेयर डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम्स भी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के भी कार्यक्रम हुए। लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने इसीलिए वोट दिए। आपको लगता है सर वोट जिहाद वाला जो इश्यू उठा था उसका भी वो रहा कि कटेंगे तो बटेंगे और ये सारी चीजें जो हुई उसको लेकर भी लोगों में एक है कि कहीं ना कहीं अलग नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र का वोटर संकीर्णता से विचार नहीं करता, विकास के लिए वोट देता है और दिया है, और लोकसभा और विधानसभा में हमेशा अलग रहा है। यानी बहुत बार हमें दोनों में अच्छे मिले वोट, लेकिन मुझे याद है 99 में एक ही दिन लिया हमने विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में हमें 40% मिले लेकिन विधानसभा में 30% मिले। तो बहुत विचार करके लोग वोट देते हैं। मेरा रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल पे ज्यादा भरोसा है और उन्होंने जिताया है, और जनता को धन्यवाद है। हमारी जो टीम है यानी मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार,
इनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत की, अच्छी योजना बनी और उससे कारण जीते। लाडली बहनाओं ने गेम चेंजर का काम किया, रिटर्न गिफ्ट दिया, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लेकिन वो एक जरूरी वेलफेयर मेजर था। मोदी जी एम्पावरमेंट की सोचते हैं, जेन्युइन वेलफेयर की सोचते हैं, वो वोट के लिए ये नोट नहीं देते हम। लेकिन सर जिस तरीके से संजय राउत या फिर एमबीए पार्टी वो एक बार ईवीएम पर नाम आ रहा है तो फिर फिर कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में क्या, वहां ईवीएम ठीक था, यहाँ गलत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब तो आप लोग सरकार बनाने ही जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल अभी सबके मन में है, वो तो कौन होगा? ऐसा है, हर एक निर्णय का एक एक बॉडी है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तीनों पार्टी मिलकर जो तय करेंगे एक एक राय से ही होगा। एक अलग सवाल सर, केरला के आप प्रभारी हैं और केरला में जिस तरीके से वायनाड में देखा कि प्रियंका गांधी ने जबरदस्त लीड ली, पहली नहीं, बार वो तो नहीं आते ही नहीं। हाँ। वायनाड में जिस तरह से वहां सामाजिक संरचना है और यूडीएफ के 19 एमपीज है वहां, तो वो वही सीट उनको मिली है, तो कोई ज्यादा नहीं है। हमने अच्छी लड़ाई दी, हम थकते नहीं, आज 20% की पार्टी है, हम इस विधानसभा चुनाव में 30% की पार्टी होकर बहुत ज्यादा एमएलए भी हमारे चुन के आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जीतेंगे। ये बहुत ही अपेक्षित था, महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर देश भर का जैसे विश्वास है ये वैसा ही दिया, विकास के राजनीति को वोट दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल 2 सरकारें देखी लोगों ने, 2.5 साल ब्लैक, 2.5 साल व्हाइट। 2.5 साल ब्लैक में कुछ सारे विकास काम नए हुए नहीं और सारे रोके गए, और अभी 2.5 साल में हर सेक्शन का वेलफेयर पॉलिटिक्स भी हुआ, वेलफेयर डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम्स भी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के भी कार्यक्रम हुए। लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने इसीलिए वोट दिए। आपको लगता है सर वोट जिहाद वाला जो इश्यू उठा था उसका भी वो रहा कि कटेंगे तो बटेंगे और ये सारी चीजें जो हुई उसको लेकर भी लोगों में एक है कि कहीं ना कहीं अलग नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र का वोटर संकीर्णता से विचार नहीं करता, विकास के लिए वोट देता है और दिया है, और लोकसभा और विधानसभा में हमेशा अलग रहा है, यानी बहुत बार हमें दोनों में अच्छे मिले वोट। लेकिन मुझे याद है 99 में एक ही दिन लिया हमने विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में हमें 40% मिले लेकिन विधानसभा में 30% मिले, तो बहुत विचार करके लोग वोट देते हैं।